पापा एक मिनट। हाँ। ये लो चाचा, पानी देख रहे थे ना। भगवान आपका भला करे बेटा। बेटा मैं दुनिया में अकेला हूं, अंधा हूं, बीमार हूं, चाहूं एक सज्जन जो कहे कि मैं मददगार हूं। अरे बोलो ना चाचा, क्या मदद चाहिए? वो यहाँ पे मेरा बेटा था और मेरी बहू भी साथ में थी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। चाचा अभी तो आपने बताया आप अंधे हो, फिर दिखाई कहां से देंगे? मेरा मतलब है वो मिल नहीं रहे। बेटा जिस तरह तुमने मेरे हाथ में बोतल थमाई है ना, उसी तरह तुम मेरा सहारा भी थमा दो, ढूंढ के ला दो मेरे बेटे को और बहू को। लेकिन चाचा यहां तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर मुझे छोड़ के चले गए वो घुमाने के बहाने, हर बार कोई नई जगह पिला के छोड़ जाते। लगता है मैं एक दिन दुनिया ही छोड़ दूंगा। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो चाचा? क्या बताओ बेटा, चार दिन से भूखा हूं, खाने का इंतजार कर रहा हूं मैं, और मेरे परिवार वाले मेरा ऊपर जाने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग की, यहाँ तक कि रोना भी आ गया, इसको कोई फर्क ही नहीं से पड़ा। ढोंगिए प्लीज 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 लॉली हमारी मदद करो, भगवान तुम्हारी मदद करेगा उस ट्रॉफी की बुरी नजर से बचने में। तुम लोग करने दोगे तब ना, बार बार मुझे यहाँ बुला लेते हो और उस कमीने ट्रॉफी को मौका दे देते हो मेरी जेली के पास जाने का। प्लीज लॉली आखिरी बार हमारी मदद करो ना, फिर तुम हमेशा के लिए अपनी जाली के पास चले जाना, है ना? हाँ प्लीज लॉली प्लीज प्लीज, तुम्हें तुम्हें तुम्हारी जाली की कसम। तुम लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम लोग जानते हो ना मैं अपनी जाली की कसम कभी नहीं तोड़ सकता। ऐसा क्या? पहले हमें नहीं पता था लेकिन अब पता चल गया है। अब हमें तुमसे जो भी काम करवाना होगा हम ये कहेंगे तुम्हें तुम्हारी जाली की कसम है। अच्छा ठीक है ठीक है, खोलो वो वाली चॉकलेट और खा लो, और विश करो जो तुम चाहते हो। डाकू कालिया हमारे घर आ जाए, डाकू कालिया हमारे घर आ जाओ, डाकू कालिया हमारे घर आ जाए, डाकू कालिया हमारे घर आ जाए।